हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट फ्यू आवर्स वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, यानी कि पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे और अगले कुछ घंटे आपके बारे में क्या कुछ सोचने वाले हैं ये पर्सन, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहने वाली हैं, यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है दिर बेल एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं लेटिंग गो, थंडर बोल्ट, वी आर द वर्ल्ड एंड अलोनेस। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट फ्यू आवर्स की बात करें ना इस पर्सन की, तो यहाँ पर ये पर्सन अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे थे। ये पर्सन आपसे ब्रेकअप के बाद इस रिलेशनशिप को ख़त्म तो कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन को उम्मीद जो थी ना इस रिलेशनशिप से, वो भी इस पर्सन की ख़त्म हो गई है। अब ये पर्सन अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को दुख बहुत ज़्यादा है इस बात का कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये इस रिलेशनशिप को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, यानी कि ये आपके साथ फैमिली नहीं बना पाए होंगे, या फिर इस बुरी तरह से ये रिलेशनशिप जो टूटा है, इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है और इतना दुख है कि जैसे कि इस पर्सन पर किसी ने बिजलियाँ सी गिरा दी हों। तो इस पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी तूफान सा आया हुआ है, उसके बावजूद ये पर्सन खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इसके बावजूद इस पर्सन के मन में एक बात है कि ये पर्सन आपको भुला देगा धीरे धीरे। इस पर्सन को थोड़ा मुश्किल तो होगा आपको भुलाना, बट हाँ ये कोशिश पूरी कर रहे हैं आपको भुलाने की। पास्ट को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश इस पर्सन की जारी थी पिछले कुछ घंटे भी। और अगर नेक्स्ट व्यू आवर्स की इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें ना हम, तो हमारे पास वी आर द वर्ल्ड एंड अलोनेस हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एक कार्मिक साइकिल था आप दोनों की ज़िंदगी में चला आ रहा था, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इस पर्सन को ये बात एहसास हो चुकी है, इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, बल्कि आप दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कार्मिक पार्टनर ही साबित हुए हैं। तो जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान इस रिलेशनशिप में हुआ है, इस पर्सन को ये एहसास हुआ है कि ये आपके कार्मिक थे, आप इनके कार्मिक थे, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। ऐसा ये पर्सन अगले कुछ घंटे सोचने भी वाले हैं और अभी भी इस पर्सन को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इसीलिए ये पर्सन ना अपनी इस अलोनेस वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि ये खुद को अकेला ना रखें, तो ये दूसरों के साथ रहने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, इस पर्सन के दिल में जो खालीपन आ गया है ना आपसे बिछड़ने के बाद, वो तो नज़र आएगा आपको भी अगले कुछ घंटे भी। इस पर्सन की फीलिंग्स में ये जो बदलाव होगा ना, वो काफ़ी दर्द देकर ही होने वाला है। तो ये पर्सन बदलने की जो भी कोशिश करेंगे, खुद को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को, तो ये जो भी बदलाव होंगे इस पर्सन की ज़िंदगी में, ये इसे काफ़ी तड़पाने वाले हैं और इसे एक वक्त ऐसा भी आएगा जब खुद में ना ऐसा फील होगा जैसे कि इस पर्सन की सारी गलतियां थीं, इस पर्सन की गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ये पर्सन खुद को आइसोलेट भी कर सकता है और कुछ टाइम के लिए खुद को इस तरह से दिखाने की, प्रटेंड करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जीवन में कुछ भी नहीं बचा। और अगर हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करें ना, बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास आया है द रिबेल का कार्ड आया है, तो यहाँ पर ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर हैं, आप दोनों ही इस बात को मान चुके हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है, वो डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहा है, आपको ऐसा लगने वाला है, आपके पर्सन को भी ऐसा ही फील होने वाला है। तो ये पर्सन ये मान बैठे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे और ये बात आप दोनों के लिए काफ़ी दुख और तकलीफ़ देने वाली है। तो आप ये बात सोचेंगे और आपका पर्सन भी सोचेगा कि जब आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे तो क्यों मिले आप दोनों, जो इतना दर्द और इतनी तकलीफ़ इस रिलेशनशिप से आपको मिली, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं रहे। और इस बात का दुख अगले कुछ घंटे भी आप दोनों को रहने वाला है और ख़ासकर आपके पर्सन को ज़्यादा दुख रहने वाला है इस बात का कि ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में आए ही क्यों। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा खुद को ब्लेम करते हुए भी नज़र आएंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है ना, इस पर्सन की नादानी की वजह से हुआ है। शायद आप इस पर्सन को उतना पसंद नहीं करते थे, ये पर्सन इस बात से अनजान ही रहे। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपका नेचर इस पर्सन के लिए थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, आपका कल्चर अलग है और आप दोनों की सोच भी थोड़ी अलग है एक दूसरे से।
और आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड भी ले रहा था, तो यहाँ पर एक पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे थे और दूसरे पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था इस रिलेशनशिप में, इसलिए भी ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। तो इस चीज़ का दुख आपके पर्सन को ज़्यादा रहने वाला है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।